एवरीवन वेलकम बैक टू हकान अली व्लॉग्स। तो यार आज हम लोग आए हुए हैं 16th एवेन्यू गुजरांवाला में, जिधर मैंने कुछ अर्सा पहले यार चाइना टाउन का और जेट्स कैफ़े का किया था। उन्हीं का एक नया प्रोजेक्ट है यार मस्तानी, आज हम लोग उसके व्लॉग के लिए आए हैं। यार उन्होंने बड़ी लड़कियों के लिए बड़ी स्पेशल पसंद की जगह है, जिधर से आपको गोलगप्पे, पापड़ी चाट, राज कचौरी, पराठे, यू नेम इट, चाय शाय हर चीज़ बड़ी फिट किस्म की। देख रहे हो ना, बड़ा फिट किस्म का माहौल है यार, बड़ा ही अच्छा बैठने की जगह बनाई है उन्होंने। तो यार चलें चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही लेट्स गो। अच्छा यार फाइनली खाना आ गया है। मैंने यार इनकी राज कचौरी मंगवाई है, पापड़ी चाट मंगवाई है जो कि मेरी बड़ी फेवरेट आइटम है, और साथ पानी पूरी मंगवाई है। चीज़ें देखने के लिहाज से, प्रेजेंटेशन के लिहाज से तो मैं कहता हूँ 10/10 है, ठीक है ना। इतनी अच्छी मैंने इस तरह के खानों की प्रेजेंटेशन नहीं देखी, ठीक है ना, बहुत आउट क्लास। पापड़ी चाट का पहले हम सबसे पहले ट्राई करते हैं। कौन पते रख के डेकोरेट करता है भाई पापड़ी चाट को। तो लेते हैं अपना पहला बाइट। फुल हैवी पापड़ियाँ शापड़ियाँ डाल के लोशे किस्म की बाइट। तो सही ऑनेस्ट बात पता क्या है, ना सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है और वेरी यूनिक टेस्ट। फर्स्ट ट्राई वाली जगह लेते हैं ज़रा इमली वाली चटनी वाली जगह से ज़रा थोड़ी सी स्पेशल सी बाइट, ठीक है ना। पापड़ी ज़रा घड़ी ऊपर डालें, ठीक है ना। वो ओहो टेस्ट इतना यूनिक। ओहो हो हो सेकेंड आइटम यार हम लोग इनकी अब ट्राई करते हैं, वो है जी राज कचौरी, ठीक है ना। लेते हैं यार इसके ऊपर अनार भी डला हुआ, निमको शिमको सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ज़बरदस्त किस्म की एक बाइट बनाते हैं, अनार भी लेते हैं।
ये चेक करो। बड़ा ही क्रिस्पी किस्म की चीज़ है और आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग अनार इतना अच्छा उसके अंदर टेस्ट डेवलप करेगा यार, ज़बरदस्त किस्म का। मुझे हमेशा मैं अक्सर देखता था इस तरह की चीज़ें, मैं सोचता था यार गोल गप्पों में अनार क्यों डाल दें, बट ओहो हो लव्ड इट। इनकी हम थर्ड आइटम ट्राई करते हैं जी, वो इनके पानी पूरी गोलगप्पे। इन्होंने ना यार इसके साथ एक ये रेड सॉस की हुई है, ये मेरे से मीठी चटनी होगी साथ पानी है। ठीक है तो हम लेते हैं एक पानी पूरी, इसको हम करते हैं इस चटनी से फिल। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं डालते वरना टेस्ट ना ख़राब करे। साथ हम लेते हैं जी पानी, इसके अंदर हम करते हैं जी इसे डिप। ओहो ओहो यार इनके तीनों आइटम का टेस्ट इतना कुछ यूनिक है। ओहो हो पूरी बहुत बड़ी थी, एक और बाइट बनाते हैं, इसमें भी चटनी डाल दें। मज़े की बात है यार इसमें साथ वो ग्रीन चटनी नहीं है, बट स्टिल पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है इनकी चीज़ों का। भाई साहब आज आप लोगों को हैंगओवर हो जाना, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल मिस करने वाला स्पॉट नहीं है यार, आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट। ठीक है ना, तो यार खाना तो ये छूटेगा नहीं, अब सब कुछ खा के जाएगा। ठीक है इसके बाद एंड में यार हम लोग भी मीठा ऑर्डर करते हैं कुछ स्पेशल सा, उनको क्या है आपका जो स्पेशल है वो ले आओ मीठे में। ठीक है ना, तो वो देखते हैं वो क्या लाते हैं। यार फाइनली तो हमारे गुड़ वाला पराठा, बड़ा स्पेशल किस्म का यार, मैंने इनको कहा था जो भी आपकी सबसे स्पेशल आइटम है ना मीठे में तो वो हमें ट्राई कराएं। तो यार मैंने तो ऐसा पराठा ही नहीं देखा कभी। ओह मेरा ख्याल है कुछ जगह छोड़ी नहीं है जिस पर गुड़ ना हो लगा हुआ। ठीक है ना,
बहुत ही हैवी ड्यूटी है, 350 का है ये, और साथ में वही है मैंने कड़क चाय, आय हाय हाय हाय, पराठा और चाय तो फिर हमारा देसियों का सही फिट किस्म का खाना है ना, तो गुड़ वाला पराठा लेते हैं इसका पहला बाइट और फिर देखते हैं क्या चीज़ है, मैंने कभी पहले घर भी नहीं खाया, चीनी वाले खाए हुए हैं, गुड़ वाला नहीं कभी ट्राई किया, उसको हम लेते हैं पिज्जे की तरह ही बाइट। क्रीम भी लगी हुई है यार ऊपर, बड़ी ऑड बात है, मुझे लग रहा था बहुत ओवर मीठा होगा, बड़ा ही कमाल का मीठा, ठीक है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त बैलेंस है उसका स्वीट का। हाँ पूरा मैं ऑफ कोर्स नहीं खा सकूँगा, बाकी तो घर वाले भी इंजॉय करेंगे, बट ये है कि यार बड़ी ही यूनिक और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है, बड़ा ही क्रिस्पी है, ठीक है ना, देख सकते हैं हार्ड है, ठीक है ना, बट अपना ही टेस्ट है यार, अपना ही टेस्ट है, गुड़ के साथ क्रीम आउटस्टैंडिंग। मीठे के शौकीन लोगों, गुजरा वाला इज द होम फॉर स्वीट्स, सही बात है यार, इससे इधर गुजरा वाला से अच्छा स्वीट्स कहीं पर नहीं मिलेगा, आप ये भी उसमें एक ऐड कर लो, बहुत अच्छा, ठीक है ना, और लेते हैं हम साथ अपनी कड़क चाय का प्याला, सही हैवी ड्यूटी किस्म का, ठीक है ना, इसका सिप लेते हैं। कड़क चाय, हाँ फाइनल है यार, फाइनल है, बात ये है कि अगर ओवरऑल में हर चीज़ को देखो ना तो यार आउटस्टैंडिंग थी, पानी पूरी या गोलगप्पे की जहाँ तक बात की जाए उसके पानी के अंदर उन्होंने टॉटरी बिल्कुल यूज़ नहीं की हुई, पर स्टिल फ्लेवर उन्होंने बड़ा परफेक्ट बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, वेरी यूनिक यार, आप किसी भी जगह से बाकी ट्राई करोगे आपको गारंटीड ये टेस्ट नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपको पानी पूरी में मिलेगा या पापड़ी चाट में था या राज कचौरी में था, इवन जो गुड़ वाला पराठा है ये तो मैंने पहली दफ़ा आइटम ही पहली दफ़ा ट्राई की है, बड़ी ही ज़बरदस्त क्रीम के साथ फिट किस्म का मिक्स बने, जो कड़क चाय है वो ठीक है, ठीक है ना, वो मैं कुछ चाय लवर हूँ तो वो ठीक है, गुड है, ओके है, ठीक है ना, तो वो मैं बहुत हाईली उसको नहीं मतलब कहूँगा कि यार ये इनकी बेस्ट चीज़ है आगे ट्राई करें, नहीं, बट जो बाकी तीन चीज़ें थी अगर आप इन चीज़ों का शौक़ रखते हो तो मस्ट है भाई, ठीक है ना, एक दफ़ा तो आए एक्सपीरियंस करें मेरे कहने पर, एंड ऑनेस्टली यू विल लव इट, पहली बात है चाइना टाउन जेड कैफे ने आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो ये उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है, मस्तानी, तो यार आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, तो यार देखो यार मैं आप लोगों के लिए इतने इतने फिट किस्म के रिव्यूज लेके आता हूँ, तो यार इसी तरह यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगले व्लॉग का वेट करें, भाई साहब अगले में भी बड़े टैट खाने चलने वाले हैं, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।